होने का दोबारा करने में हो गया। ये स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट तो हो गया है, तो फिर उसको कट कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करें। हाँ हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। जैसा कि हमने आपको आपसे वादा किया था कि हमारे साथ रजत भैया आएंगे, और हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। भैया आपका पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हेलो, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो आवाज अभी क्लियर जा रही है? अभी हाँ सही है, अभी कोई नॉइज नहीं है मेरी तरफ से। आ रही है कोई नॉइज? नहीं नहीं कोई नॉइज नहीं आ रही है। नहीं, चलो बेस्ट। तो भैया सबसे पहला जो मैं इस पूरे बातचीत के दौरान का जो मेन मोटो है वो आपको क्लियर करके बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी इंटरव्यू देखा है, जितना भी वीडियो देखा है, और जहाँ पे यूट्यूब से वीडियो है, वो सारा वीडियो मुझे लगा, ये मेरा अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कि सारा बाइस्ड वीडियो है। अच्छा, क्यों बाइस्ड वीडियो है? कि वो किसी कोचिंग के अंडर में वीडियो बनाया जाता है, तो जो मोस्टली सही वो किसी कोचिंग का इंटरव्यू, वो ऐसे रहेगा, उसमें थोड़ा रहेगा। तो वो क्या बताता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिविटी फैलाती है कि ये होगा ये होगा ये होगा तुम, और सबको ये बताती है कि कोचिंग ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेस्ट होने वाली है, ठीक ना। तो मेरा मेन मोटो इस वीडियो का ये है कि आप इसको रिवील कीजिएगा, जरूर रिवील कीजिएगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जितना भी इसका डार्क ट्रूथ है ना वो निकालना है। अच्छी बातें तो हर जगह फैली हुई है, डार्क ट्रूथ को हमें रिवील करना है। तो जो जो सच है बताएंगे। तो भैया अपने बारे में कुछ बताइए फिर। तो यार मेरा नाम रजत है और मैं 2015 पास आउट हूँ बीटेक, मैंने 2015 में किया। उसके बाद मैं 2015 में फर्स्ट टाइम गेट दिया था कॉलेज के साथ ही, तब मैंने वही की कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, वही चंडीगढ़ में लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पे पढ़ाई की, तो खुद ही उसके बाद क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए, खुद से पढ़ के फिर गेट दिया, तो उसमें 251 रैंक आया। उसके बाद मैंने IIT रुड़की में एमटेक किया, उसके बाद उसी स्कोर से मेरे को एक PSU में जॉब ऑफर हुई, मैंने अभी फिलहाल मैं वो कर रहा हूँ। और अभी 2020 में फिर 2000 क्या 21 20 मैंने फिर गेट दिया प्रिपरेशन करके, तो अभी इसमें मेरा 40 रैंक आया इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन। कांग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि 40 रैंक अपने में एक वो रखता है। वो रखता है। और एक चीज भैया ना, कि जितने भी अभी व्यूअर होंगे ना, जो भी देख रहे हैं ना, वो सारे ना वो स्टेट कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, ठीक ना। तो आप, मुझे लगता है कि आप सबसे बेस्ट माध्यम है जो कि बता सकते हैं कि स्टेट कॉलेज के बच्चे को कितना तकलीफ होती है और कैसे वो करता है, और उसके पास जॉब का कितना प्रेशर रहता है कॉलेज के बाद। तो पहले भैया अपने पुरानी जर्नी को आप थोड़ा सा हमें समझाइए, अपनी पुरानी जर्नी, गेट की जर्नी पे बाद में आएंगे, मतलब पुरानी जर्नी कॉलेज, कॉलेज के टाइम में बीटेक वाला। कॉलेज बीटेक का काफी मस्त कॉलेज था हमारा, क्योंकि चंडीगढ़ में था, एक तो चंडीगढ़ में था और ऊपर जैसे यूनिवर्सिटी में था, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फील बहुत अलग होती है। और कॉलेज में बस खुद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जैसे अभी बच्चे पूछते हैं कि फर्स्ट ईयर में कैसे तैयारी करें, तो हमने कुछ नहीं किया ऐसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कुछ नहीं किए, 2.5 साल तो कुछ तैयारी का कुछ नहीं सोचे, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटी में हमारे इलेक्शन होते थे, तो फर्स्ट ईयर तो पूरा उसी में इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट्स मांग रहे हैं, सेकंड ईयर ऊपर ऐसा निकला। थर्ड ईयर में लगता है कि हाँ अभी प्लेसमेंट आ रहे हैं या कुछ की चीज, पास आउट होने वाले 2 साल में, तो कुछ करना पड़ेगा, तब जाके थर्ड ईयर के मिड में तब स्टार्ट किया कोचिंग, उससे पहले तो बहुत कॉलेज की मौज लिए। तो ये जो अभी आपने बताया है ना कि वो प्लेसमेंट वाली, और यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, एक आपको मैंने क्वेश्चन भी ये बताया था कि ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, सेमेस्टर, गेट, ESC, प्लेसमेंट और गवर्नमेंट जॉब, ये सारे को मिक्स करके रखा हुआ है। हाँ, तो यार वो तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट है, तो आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो? देखो गेट ESC और सेमेस्टर को आप थोड़ा कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कि जो सब्जेक्ट गेट और सेमेस्टर में कॉमन है आप उस पर थोड़ा 100% दे सकते हो, वो अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपका सेमेस्टर और गेट दोनों हो जाएंगी। बट प्लेसमेंट का क्या है, उसके लिए आपको अलग स्ट्रेटजी है, वो आपके कॉलेज के हिसाब से, उसके लिए आपको शायद एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल में पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम मैनेजमेंट है। अभी हर कोई हर जगह हाथ पर मार सकता तो कर सकता है, जैसे मैंने क्या किया स्टार्टिंग में प्लेसमेंट में ट्राई किया एक दो कंपनी में, तो फिर उसके बाद लगा नहीं तो टाइम वेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि पूरा पूरा दिन पहले एप्टी का टेस्ट दो, फिर इंटरव्यू दो, पूरा दिन निकल जा रहा है, 2-3 कंपनी में नहीं हुआ, तो फिर सोचा कि अभी वो सब छोड़ो, गेट का ही करते हैं, मतलब मेरा तो ये था। अच्छा, तो एक चीज और भैया ना, कि मेरा और एक अपना पर्सपेक्टिव है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम वाई पे जरूर बात करते हैं। हाँ
गेट ही क्यों करना है, मतलब अगर और देखिए और कितना क्या है ना, मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो इसको देख रहे हैं ना, उसके पास ऑप्शन है, वो सरकारी नौकरी ले सकते हैं, उसके पास बहुत सारे के पास एक डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे के पास डिप्लोमा होता है तो वो जेई बन सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है ना, जेई का जॉब नई वैकेंसी नहीं भरता है और उसको लगता है कि गेट ही देना चाहिए, तो वो गेट के प्रति आगे बढ़ते जाता है, बाद में उसको लगता है कि गेट भी नहीं हो पा रहा है, अब वापस जेई की तरफ भी नहीं जा पा रहे, तो वो फंस जाता है बीच में। तो वाई गेट पे भी एक बार आप बताइएगा कि क्यों गेट ही क्यों करना चाहिए। गेट का ये देखो सही बात, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के बाद प्रिपरेशन, प्लस ये ना अगर आप डिप्लोमा का गेट के लिए बीटेक तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो अगर सिर्फ जेई का सिर्फ डिप्लोमा करने के बाद ऑप्शंस कम रहेंगे ना, आप बीटेक कर लोगे थोड़े ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप सिर्फ डिप्लोमा के बाद सिर्फ जेई लेवल तक सीमित रह जाएंगे, बीटेक कर लेंगे तो आप एई वगैरह के एग्जाम भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा और प्लस और भी प्लेसमेंट, बीटेक में प्लेसमेंट का भी आ गया, तो मतलब डिप्लोमा के बाद ऑप्शंस थोड़े कम है। हाँ हाँ और गेट के साथ क्या क्या ऑप्शन है, गेट में आप जॉब के लिए करते हैं गेट एमटेक रिसर्च के लिए, और अभी जॉब का कंडीशन ऐसा है थोड़ा, जब मैंने तुम्हें 15 में दिया और मैं अब दे रहा हूँ तो वैकेंसीज का कम हो रही है काफी, ये तो सच्चाई है, क्योंकि 2015 में एयरपोर्ट ने काफी वैकेंसी निकाली थी, तो इवन ये पीएससी में 330-340 रैंक इलेक्ट्रॉनिक्स में लोगों को पीएससी मिला, मेरी वाली पीएससी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस बार देख लो मेरा 40 रैंक है और अभी तक सिर्फ एक पीएससी में वैकेंसी निकाली है, मतलब इस टाइम बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है वैकेंसी का पीएससी में, प्लस ये कोविड भी रीजन है, कि लास्ट ईयर वैकेंसी कम निकला और जो लास्ट ईयर वैकेंसी निकला वो अभी तक चल रहा है, तो इस साल का वैकेंसी अब तक नहीं आया है। और ईएससी का भी तो वैकेंसी देख रहे हैं बहुत ज्यादा कम कर दिया है। हाँ, ईएससी का बहुत कम है, बिल्कुल। तो मतलब मेरे हिसाब से आपको बैकअप लेके चलना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ ईएससी निकालूंगा या फिर सिर्फ गेट से पीएससी चाहिए, नहीं। तो आई थिंक एमटेक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब बैकअप है, मतलब बैकअप भी नहीं कह सकते, और वो एक जगह खड़ा हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो क्या ये सही लगता है आपको? सही नहीं, अगर अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे, वहाँ एमटेक मेहनत करोगे तो वहाँ भी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। नहीं, अच्छा कॉलेज नहीं, कोई सा भी, कहीं सा भी एनआईटी मिल रहा है, कहीं सा कुछ मिल रहा है, ले लो बस, ऐसा स्थिति होता है उसका। तो क्योंकि वही है ना कि लोगों को बीटेक के बाद जॉब चाहिए, घर वाले पूछते हैं, सब पूछते हैं कि हाँ क्या कर रहे हो, तो उसको सेफ ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ 12,000 मिल रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उन्हें तैयारी भी कर पा रहा हूँ। और अगर कोई जॉब का उसके पास ऑप्शन दिख रहा है तो जॉब का प्राइवेट नहीं, वो तो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट जॉब भी उसको दिख रहा है, मतलब उसको साइड से मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन वो एक वो ये बनाता है, उसको लगता है क्या ना, उसको ये बताया जाता है कि तुम जैसे आईआईटी में एंट्री कर जाते हो ना, तो वो वाले चीजें कि तुम्हारी पैकेज या फिर तुम वहां से जब पास आउट होते हो तो तुम्हारी 25-30-40 ऐसा वाला उसे बताया जाता है, जो कि बीटेक वाले जो बच्चे का होता है वो ये सोच के एडमिशन ले लेता है कहीं पे भी। और एक हवा जो होता है कि चलो मेरे को बस रहेगा एक कॉलेज का वो स्टाम्प रहेगा कि मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, इस चीज के लिए वो एंट्री तो कर जाता है लेकिन फंस जाता है फिर। ये तो है, अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो करना चाहिए क्या? करना चाहिए मेरे सबसे। अगर देखो आईआईटी अपना स्टेट कॉलेज और आईआईटी में बहुत डिफरेंस है, स्टेट कॉलेज में सम तो कैसे भी पास हो जाते हैं, आईआईटी में जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो स्टेट कॉलेज में हम एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं, आईआईटी में ऐसा नहीं होगा, वहां तो पढ़ना। तो एक सवाल जो सबसे लास्ट में मैं पूछना चाहता था वो मैं अभी पूछ रहा हूँ कि गेट नहीं तो क्या, बीटेक के बाद गेट नहीं तो क्या? गेट नहीं तो अगर देखो प्लेसमेंट ऑप्शन, हाँ ठीक है, टेक्निकल में गेट आ गया, तुम्हारा स्टेट पीएस स्टेट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टेक्निकल में ये सब एग्जाम आ गए, स्टेट के आ गए, एसएससी हो गया, एसएससी जेई वगैरह होता है एग्जाम, नहीं दिया तो टेक्निकल तो ये सब हो गया। और नॉन टेक में फिर एसएससी सीजीएल बैंक पीओ ये सब एग्जाम्स हो गए, और आपको अगर एमबीए के लिए कैट हो गया, ऑप्शंस तो काफी सारे हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज में कंफर्टेबल है। जैसे मेरे को इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो सोचा कैट तो दे ही नहीं सकते, अच्छा तो अभी मैथ्स अच्छा है तो इसलिए गेट की तरफ आ गए, यहाँ यहाँ कैलकुलेशन वगैरह ये सब अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, तो मैथ से याद आया कि भैया मैथ का फियर बहुत बच्चे का है, आपने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा होगा, मैथ का बहुत फियर है,
मैथ नहीं हो पाता है, हमसे खुद नहीं हिलता नहीं है मैथ। नहीं, बट ये है कि देखो गेट गेट देना तो सबसे पहले मैथ से तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, ये तो पहली बात। तो गेट में मैथ तेरा नंबर का आएगा मिनिमम, ठीक है, और ऊपर से गेट पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में मैथ घुस ही जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा कैलकुलेशन और मैथ अच्छा होना चाहिए। कैसे किया तुम्हारा? अगर तुम्हारा वीक है तो तुम जीरो से स्टार्ट करो। अभी तक जैसे कोचिंग वगैरह में कई जगह ऐसा पढ़ाते हैं कि तुम्हें वो मान के चलते हैं कि तुम्हें इतना आता है। हाँ, तो तुम ऐसा सोर्स ढूंढो जहां पे तुम्हें सिर्फ जीरो से पढ़ाने जा रहा है, बेसिक से बिल्कुल ही। वो कैसे करें, मतलब आप उसको बेसिक से बताइए कि मैथ कैसे स्टार्ट करें, कि मतलब बिल्कुल नहीं आता। अगर टेंथ किया है बच्चा और उसको बस कैलकुलस का थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जैसे वो हायर इंजीनियरिंग का सारा मैथ देखता है ना, जैसे हमने मैट्रिक्स में एंट्री किया तो सिंपल सिंपल मैट्रिक्स बना लिया, जैसे ही मैट्रिक्स के अंदर वेक्टर वाला चले गए पार्ट में, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इसके पार्ट में जैसे ही गए, हालत खराब होने लगती है। तुम जैसे पढ़ रहे हो ना मैथ्स में, मैक्सिमम तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मान लो एक एक कोई कांसेप्ट है उसके तुम 10 न्यूमेरिकल कर लोगे, तुम्हें ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी। मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। मैथ्स में कुछ ऐसे पढ़ के तो होएगा नहीं, थ्योरी तो है नहीं कि तुम पढ़ लिए समझ आ जाएगी, प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस कहां से किया जाए? अगर कोई ओपन सोर्स, इतने सोर्सेज हैं, जैसे अगर अगर बीटेक के लिए करनी है तो बुक्स हैं। तो बीटेक तो मेरे हिसाब से यार जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है अगर वही कर लोगे, सिर्फ बीटेक में पास होना तो वही चीज सही है। गेट के लिए तो बहुत सी है, जैसे ये आ गया अपना प्रीवियस ईयर कर लो एक बार, ठीक है, बहुत सारे बुक्स, जैसे आरके कनोडिया बुक्स। आरके कनोडिया क्या है, इतने इतने मोटी बुक आती है क्वेश्चन सॉल्व करने के, सिर्फ एक सब्जेक्ट, उसमें भर भर के क्वेश्चन दिए हुए कनोडिया का। हाँ, उसमें इतने सारे क्वेश्चन है, वो तुम प्रैक्टिस कर लिए ना तब तुम ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगे। कनोडिया जो सिर्फ ईसी के लिए होता है या सारे ब्रांच के लिए कनोडिया होता है? यहाँ जाएंगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे हमने उस टाइम पे, सिर्फ कोचिंग में जाके पढ़ लेते थे, प्रीवियस ईयर कर लेते थे। तो हमने आरके कनोडिया मंगवाई, 8-9 बुक्स थे वो, इतनी मोटी मोटी, वो जो ग्रीन कलर का जो ऊपर में रहता है वो वाला ग्रीन कलर, वो इतनी बुक्स बन गई थी 8-10। तो हमने क्या किया, अगस्त से लेके कुछ नहीं किया, सुबह लाइब्रेरी जाना, किसी सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, बस जनवरी तक यही किया है, उसी से इतनी रैंक आई। तो मतलब ये जो जैसे बच्चे बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, ऐसा कोई भी बच्चा हो और वो सेल्फ से प्रिपरेशन करना चाहता है, कुछ एक ठीक ठाक रैंक लाना चाहता है, तो उसके लिए वो पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले किसी भी तरीके से, जैसे भी करना है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस, क्वेश्चन सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी तो रिवाइज करना ही है थ्योरी। जैसे एक बार कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मान लो उसके 10 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर रिवाइज किया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, दूसरा चैप्टर रिवाइज किया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, ऐसा करके एक बार कर लिया। फिर अगला कोई सोर्स उठाओ प्रैक्टिस का, कोई और बुक ले लो, टेस्ट सीरीज लो, फिर पहला चैप्टर रिवाइज करो, वैसा तो ऐसे करते 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 हो जाएगा। जैसा कि कोविड चल रहा है तो अब तो ऑफलाइन कोचिंग का कोई वो है ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो भी ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, उसको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। तो अब जब कोचिंग की बात आती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और एक चीज ना, हमारे यहाँ के जो एक प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ मैं, कि जो भी बच्चे हैं ना वो यही सजेशन देते हैं कि गेट करना है, ठीक ना, बस याद, अगर तुम्हारी जल्दी से तुम्हें बाहर निकलना है तो निकल जाओ, या फिर फाइनल ईयर होते होते ही तुम दिल्ली निकल जाओ, पहुंच जाओ तुम मेडी जी या किसी भी कोचिंग में पहुंच जाओ, उसके मेन ब्रांच पे पहुंच जाओ, बस वही तुम्हारा एक सोर्स है। नहीं, ऐसा नहीं यार, क्योंकि हर जगह कहीं से, मैं भी चंडीगढ़ से लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया हूँ, है जरूरी नहीं है, जहाँ तुम्हें लगे कि यहाँ कंफर्टेबल हो वहां से पढ़ो। अभी तो फिलहाल, उस टाइम तो नहीं था इतना, बट अभी ऑनलाइन इतना मटेरियल आ गया, इतने यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं, तुम्हें ऑनलाइन बुक्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ, तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो, मतलब सेल्फ स्टडी से ऑनलाइन कर सकता है, कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है। अभी 2020 मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई किया सब। तुम तो कोई कोचिंग गया नहीं हो। आपने कहां से किया? मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। चलिए, मतलब एक वो भी सोर्स है, अगर किसी को लेना है तो वहां से भी कर सकता है। सही, वहां से ले सकते हैं, जहां जहां कंफर्टेबल वहां से लो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने वहां से लिया तो वहीं से लो।
अब एक चीज की हमें बहुत सारा बच्चा फोन करके भी बोल जब वो लेता है तो वो बोलता है कि भैया बहुत सारा एकेडमी जो है वो दे रहा है तो हम कौन सा एकेडमी ले, तो हम कहते हैं देखो सारा तो एक ही होता है, कुछ भी ले लो, लेकिन आप अपने तरीके से बताइए कि जो इतना सारे इंडस्ट्री दे रहा है सब सेम ही होता है या कुछ डिफरेंस होता है किसी में? यार जो देखो जो नामी इंस्टीट्यूट है वो तो सब सेम ही रहेंगे, सब सेम मटेरियल कराएंगे, तो उसमें कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। आप अपना प्राइस के हिसाब से देख सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, फ्री मतलब... भी काफी चीजें हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फ्री में, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जब पैसे देख के ले रहे हो तो आपको सारी चीजें एक ही टाइम पे मिल जाएंगी, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं है, बट फ्री भी है, बट अब सिर्फ आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब यही चीज की वो जो अगर कोचिंग लेते हो तो तुम्हें सड़क बना के तुम्हें मिलेगा, दौड़ना है सिर्फ तुम्हें, और अगर तुम ढूंढते हो फ्री में तो तुम्हें सड़क भी बनानी है और दौड़नी भी है। तो मतलब कि अगर किसी को चाहिए जो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है वो कर सकता है, कर सकता। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया, कोचिंग की बात तो क्लियर हो गई कि कोचिंग कोई हवा नहीं है, कहीं से भी कर सकता है, बस उसको मटेरियल क्लियर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट जो सिलेबस में है वो। अच्छा एक चीज और भैया ना, कि हमने जो गेट का सिलेबस देखा है तो हमको ये लगता है कि गेट का सिलेबस सिर्फ गेट के लिए नहीं, अपने ब्रांच को बहुत ही स्ट्रांग करने के लिए गेट का सिलेबस बेस्ट है। अगर वो जिस कोर ब्रांच जिस ब्रांच से आ रहा, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कोई सीएस से है, तो उसको अगर सीएस इन डेप्थ में जानना है, ईसी इन डेप्थ में जानना है, सिविल इन डेप्थ में जानना है, तो उसको गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। नहीं पूरा तो रहेगा, बट हाँ जैसे मेन सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये मेन सब्जेक्ट है, तो ये कर लेंगे तो बीटेक में भी हेल्प मिलेगी। मतलब उसको ये लग सकता है कि फिर उसका इंजीनियरिंग का जो जो सब्जेक्ट से है, जैसे होता है ना कि हम बाद में अगर हम आपसे पूछे कि आपको अपने ब्रांच का कितना नॉलेज है, तो उसको अपने ब्रांच का नॉलेज हो जाता है गेट करने के बाद, गेट का सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स। हां तो काफी कोर, दो तीन सब्जेक्ट कोर तो रहते ही हैं, ज्यादा रहते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन रहता है, ईएमएफटी रहता है। अच्छा ये एक चीज और भैया, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना जो पास आउट हो चुके हैं है ना, तो उसका एक चीज रहता है कि वो जॉब में है, या तो वो जेई बन चुका है ना, जैसे कि उसने बीटेक कर लिया, अब वो जेई बन गया है, लेकिन वो कहता है कि नहीं भैया हमको गेट अभी भी करनी है, तो अब उसके लिए गेट क्या? क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाइएगा कि वो जॉब में भी है और उसको गेट करना है, तो उसके वो उसको गेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, वो जॉब में है? डिपेंड करता है ना यार, अगर कोई जॉब में है तो क्यों करना चाहता है, इसका मतलब ये कि वो वहां से बहुत तंग है इसलिए करना चाहता है। जेई है तो तंग ही होगा, तंग है नहीं, अभी तो हर जगह ही है गवर्नमेंट जॉब में, तो बहुत कम जगह है कि तुम सुकून है, तो लोग भी हम एस्केप ढूंढते हैं, कि हमें लगता है कि गेट दे देंगे, थोड़ा अच्छी पीएससी मिल जाएगी, थोड़ा एस्केप मिल जाएगा, हो सकता है किसी एमटेक का मन बन जाए। जॉब के साथ भी डिपेंड करता है तुम्हारी टाइमिंग्स क्या है, लोग करते हैं बहुत, क्योंकि जैसे 3 से 4 घंटे अगर निकालोगे धीरे धीरे शेड्यूल बनेगा, तो शेड्यूल फ्लो बन गया ना, जैसे तुमने 2-3 सब्जेक्ट कर लिए, तुम टाइम निकालने लग गए तो तुम्हारा फ्लो बन जाएगा, तुम कर सकते हो। बस ये कि तुम जॉब के बाद तुम मेंटली फ्री रहना चाहिए, दूसरे तुम ऑफिस में आ रखे भी तुम्हारा मेंटली फ्री नहीं हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ाओ। अच्छा अच्छा, जैसे कि एक मेरा मित्र जो था उसने हमें बताया कि वो जेई करके चला गया एनटीपीसी में, हाँ? और बोला कि मैं भी वो भी गेट का तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अभी एनटीपीसी में है, जेई पे डिप्लोमा से एनटीपीसी में है अब। अच्छा। वो बोलता है कि देखो भाई मैं भी गेट का कर रहा था, लेकिन अभी जो गेट का करके मतलब जो एई है उसका इंजीनियर अपर लेवल का, वो आके हम पे धौस चलाता है ना, हमने उसको ये नहीं बताया कि मैं भी बीटेक किया हुआ हूँ, ठीक ना, लेकिन हम पे जब धौस चलाया तो हमको लगता है कि हम क्यों गेट का छोड़ दिए प्रिपरेशन करना, हमको भी करना चाहिए फिर से, वो एक ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए वो तैयारी करना चाहता है। ये तो फिर अगर ए ही बन के जाओगे तो उसको भी कोई ना कोई धौस मारा होगा, तो इसके तो ये भी नहीं है। चलिए भैया ये तो करना कर सकते हैं, करना चाहते हैं सर, तो फन फैक्ट था एक तरीके से। एक और सोर्स है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है, एनपीटेल के बारे में, अगर आप एनपीटेल, यार मैंने कभी नहीं पढ़ा एनपीटेल से फिर भी आप थोड़ा सा उसको अगर डिस्कस कर सकते हैं, बट जितना मैंने सुना है कि काफी अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली आईआईटी प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, बट मेरे हिसाब से है कि अभी अभी जैसे हाँ एनपीटेल काफी अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि अभी जो क्या है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जूम पे जो भी है कॉलेज की, तो तुम्हें पता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ा रहे होंगे, तो वो एनपीटेल में लेते काफी अच्छा मीडियम रहेगा कि तुम्हारा सब्जेक्ट वीक ना रह जाए,
कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ा रहे हैं तुम वही चीज एनपी टैब पे पढ़ लो, ये जूम में तो पता ही है कैसे पढ़ा रहे होंगे, वो तो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे होंगे, तो वही चीज मेरे हिसाब से तुम एनपी टैब पे पढ़ लो ताकि तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग रहे, तुम गेट की तैयारी करने जाओ तुम बिल्कुल ही जीरो जीरो ना रहो। मतलब ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे या सेकंड ईयर वाले जो भी है उसको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए तो वो एनपीटेल यूज कर सकता है। हाँ, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे अच्छा हो जाएगा ना, गेट में कम एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भैया कि क्या हुआ ना, जब सेकंड ईयर में मैं था ना तो ईडीसी का एक एनपीटेल का आईआईटी मद्रास का लेक्चर था, 40 से 45 वीडियो है, वो हर वीडियो लगभग 1.25 घंटा का है, लेकिन एक 1.25 घंटा का वीडियो कंप्लीट करने के लिए मुझे 2.5-3 घंटा लगता था, पॉज करना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था, फिर समझना पड़ता था, और वो बहुत ही डेप्थ में पढ़ाते थे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन होल कहां से निकला, किधर गया, कैसे एनर्जी डायग्राम बना, वो पूरा ये तो है। लेकिन वही चाहिए वो देखने के लिए। लेकिन वहीं पे जब मैंने गेट का मटेरियल देखा, जैसे जो बच्चे गेट का खरीदा था, मेरा कलीग जो भी मेरा साथी था वो गेट का खरीदा था, तो उसका जब वीडियो देखा, ईडीसी का ही वीडियो देखा, तो उसमें कुछ नहीं देखा, फॉर्मूला लिखा है, वो n is equal to q वाला जो फॉर्मूला सब है, वो फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, बात खत्म। तो अलग अलग अप्रोच हो गया भैया, तो मुझे लगा कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया मेरा ना, अगर इतना ही मुझे गेट के लिए करना था तो मैं उतना डेप्थ में क्यू कहां से आया, एनर्जी बैंड कहां से क्रिएट हुआ, ये सारा समझने का क्या जरूरत था। नहीं, ये तो है, जो एग्जाम है ना तुम्हें अप्रोच देखनी पड़ेगी, जैसे गेट है, गेट में अभी जैसे 2015 में मैंने किया, इतना डेप्थ में नहीं गया था मैं, 2015 की अगर बात करूं मैं, तो ऊपर ऊपर से पढ़ा, न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कर लिया। बट इस बार अगर देखोगे ना 2021 का गेट का इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर, वो बहुत मुश्किल था, उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर्मूला से हो गया, उसमें आपको थोड़े कंसेप्ट चाहिए होंगे, बट उतने नहीं जितने एनपीटीएल पे हैं। अगर टाइम है तो एनपीटीएल यूज कर सकता है। टाइम है देखो, बट ऐसा मत करो कि तुम टाइम नहीं है, तुम बिल्कुल ही अंदर कंसेप्ट में घुसे जा रहे हो। अच्छा, टाइम अपना मैनेज करो, अगर तुम फर्स्ट ईयर से कर रहे हो तो अच्छा सोर्स है, अगर तुम थर्ड ईयर में कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मुझे एक साल में सारा गेट का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो मेरे हिसाब से फिर मुश्किल है। तुम बता रहे हो ना कि 45 लेक्चर्स हैं, 1.5-1.5 घंटे के, क्योंकि नोट्स बनाओगे 2 घंटे लगेंगे, तुम कहीं से बनाओ, उसमें तुम प्लस तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता ना कि ये चीज गेट के सिलेबस में है कि नहीं, हमें उससे छांटना पड़ता था, गेट से नहीं छांटना पड़ता, तो वही कह रहा हूं ना कि ये फ्री सोर्स है, तुम इसमें खुद की मेहनत लग रही है। अच्छा अच्छा, क्या करना है क्या नहीं, और तो, प्लस मेरे लिए एक छांटने का अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे तुमने एक वीडियो बनाया था ये हैंड रिटन नोट्स का, मेडिजी का जो है, तो वो सोर्स अच्छा है कि उससे हमें पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम उससे छांट सकते हो, क्योंकि गेट में सिलेबस में तो टॉपिक लिख देते हैं, उसमें थोड़ी पता चलेगा कि हाँ आगे इसमें कितना डेप्थ में पढ़ना है, गेट के सिलेबस में तो नहीं, ये नहीं मिलता है। तो अगर हम इसको समराइज करें, मतलब मटेरियल को समराइज करें, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि एक तो आपके पास कोई भी लेक्चर होना चाहिए, या तो या आइदर वो फ्री हो या ऑनलाइन हो, क्योंकि वो आपको गाइडिंग फोर्स है, वो आपका वो आपको गाइड करेगा, एक वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मटेरियल होना चाहिए, वो जो हैंड रिटन है या कोई सभी नोट, अच्छा मटेरियल, कोई भी सोर्स, कहीं से भी मटेरियल मिल जाए तुम्हें, जो हाँ, जो गेट का स्टैंडर्ड मटेरियल हो, मैं किसी कोचिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन गेट का स्टैंडर्ड मटेरियल हो, वो हो गया। उसके बाद टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर, पर इतना करते जाएगा उसका फाइनल ईयर तक कुछ ना कुछ अच्छा रैंक आके वो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ उसका अच्छा होगा, हो जाएगा। हाँ, मेहनत, अप्रोच सही रखो बस, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। हाँ, इसमें आप कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं, ये चार चीज जो मैंने बताया, करोगे यार चार चीज में, ये भी है कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें क्या क्या कमियां हैं वो देखो, वो तो हर किसी के अलग होती है, तुम्हें तुम 2+2=5 लिखते जा रहे हो, उसको करेक्ट करो, तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उसको दोबारा पढ़ लो, ये चीज है। उसके बाद अपनी कमियां देखो क्या क्या है, कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कि तुम्हें सब आते हुए भी अगर सोल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन तो क्या दिक्कत है, ये भी बात है, प्रैक्टिस में कमी है, तो तुम्हें कोई कंसेप्ट ढंग से समझ नहीं आया है, वो फॉर्मूला मुश्किल है, वो ये तुम्हें याद नहीं रहता, ये सब है, वो सब सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी कमियां रहेंगी ना, वो ढूंढनी पड़ेंगी। अच्छा, जैसे अब क्या है ना, एक चीज और ना, चूंकि ये हम कोई तो ब्रांच स्पेसिफिक अभी नहीं बना रहे हैं, इसे ब्रांच स्पेसिफिक में आपको फिर से या तो मैं आपको खुद बनाना पड़ेगा वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए आपको खुद अपना चैनल बनाना पड़ेगा, जो कि ईसी के बच्चों को आप गाइड कीजिएगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आप एक चीज और, कि जैसे किसी कोई सीएससी का बच्चा है, कंप्यूटर साइंस का है, अब उसने गेट की तैयारी किया, पूरे अच्छे से गेट को प्रिपेयर किया,
अब उसको ऐसा स्थिति हो गया कि अभी क्या होता है ना, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, अगर वो गेट का तैयारी करता है तो क्या होता है ना, ऐसे बाद में गेट नहीं निकल रहा है तो एसएससी भी दे रहा है, वो एसएससी का जो जेई है उसके पास वो ओपन खुला हुआ है, फिर इसरो का कुछ वैकेंसी आया, डीआरडीओ का कुछ वैकेंसी आया, बार का कुछ वैकेंसी आया, तो वो सब भी वो डालता है। बट सीएससी वाले स्टूडेंट के लिए सारा ऑप्शन ब्लॉक हो जाता है। गेट में कुछ रैंक आया तो ठीक है, कहीं पे एमटेक मिल जाएगा, नहीं आया तो अब वो कहीं का नहीं रहा, या तो फिर अब पीएसयू सॉरी वो उसके लिए भी तैयार नहीं किया है खुद को, प्लेसमेंट के लिए भी खुद को तैयार नहीं किया, प्लेसमेंट के लिए हार्डकोर प्रोग्रामिंग उसने किया नहीं है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग किया नहीं है उसने, तो अब वो फंस जाता है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे के एक सीनियर होने के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस के लिए तो बेस्ट ऑप्शन एमटेक ही है। अच्छा, क्योंकि अच्छा एमटेक मेहनत करोगे, अच्छा कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा पैकेज लगता है। अच्छा, पीएसयू तो ऑब्वियसली पता ही कम है। हां हां, तो आप एमटेक को लेके चलो। मतलब कंप्यूटर साइंस के बच्चे अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको ये सोच के चलना चाहिए कि वो आगे प्लेसमेंट ही लेंगे, लेकिन वो आईआईटीज में जाके आईआईटी से लेंगे। तो तुम आईआईटी से लोकल कॉलेज में लग रहे हो तो तुम्हें 3.5-4.5 इतना मैक्सिमम सोच रहे हो तुम वही तुम एमटेक आईआईटी एनआईटी से कर लोगे तो 10-12-15 भी हो सकता है। क्या सारे आईआईटी सारे एनआईटी में ये हो जाता है? यार जैसे मैं बताऊं, मैं रुड़की में था तो मेरे यहां तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हुआ। आप तो रुड़की में, रुड़की ऑब्वियस है कि टॉप आईआईटी है, में आते हैं। हां तो मेरे सब सिलेक्ट डिपेंड करता है, पता करना पड़ेगा कि आपके ऑनलाइन काफी सोर्सेज रहते हैं। जो अच्छे आईआईटीज रहेंगे यार, मेरे लगता है सीएससी वालों को तो हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा, जब नॉर्मल कॉलेज में हो जाता है सीएससी वालों का तो अच्छे कॉलेज में तो होना चाहिए। मतलब गेट भी करना है तो बहुत मेहनत करके करनी पड़ेगी और अच्छे आईआईटी या अच्छे एनआईटी में जाना पड़ेगा। उस अगर फिर ऐसे कहीं पे भी चला गया तो वो फिर सही नहीं है, फिर तो कोई मतलब, फिर तो वही 12,000 वाली बात है बस। वही चीज 12,000, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो मेरे मित्र है ना, वो किसी एनआईटी में है तो वो हमको मैसेज करते हैं, यार कहीं जॉब का कुछ होता है क्या, बताओ जॉब वॉब की कोई वैकेंसी आती है, कोई प्राइवेट सेक्टर में आए तो बताओ मुझे। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम तो एनआईटी से हो तो फिर तुम ये क्या बोल रहे हो? बोलता है कि यार क्या एनआईटी से, कुछ नहीं हो रहा है, सीनियर यहाँ से निकल के कुछ नहीं कर रहे, लास्ट में ऑप्शन आ जाता है पीएचडी कर लेता है। जैसे आप तो पीएचडी नहीं किए क्योंकि आप एक अच्छे आईआईटी से थे और आपको सही लगा प्लेसमेंट, आपको जैसा भी आपने पीएसयू ले लिया है ना, आप निकल गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो लोकल एनआईटी या लोकल आईआईटी से होते हैं, उसके पास एक ऑप्शन हो जाता है, एमटेक के बाद कुछ नहीं मिला तो वो बस पीएचडी में गिर जाते हैं। पैशन नहीं है उसका पीएचडी में जाना, तो पीएचडी भी यार देखो पैशन नहीं है तो बहुत मुश्किल है, पीएचडी में लगता नहीं पीएचडी पैशन के बिना कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा ऐसा क्या, आईआईटी प्रोफेसर ऐसे तो मैं और क्या, मतलब कि बीटेक नहीं है ना अपने, बहुत डिफरेंस है अपन जो बीटेक किए हैं लोकल कॉलेज और पीएचडी करना है, इट्स बहुत मुश्किल, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा उसमें। अच्छा पीएचडी में कितना स्टाइपेंड है? पीएचडी में रहता है आई थिंक 28 रहता है, 2 साल उसका 33 इतना कुछ रहता है मेरे हिसाब से। मतलब अगर इंटरेस्ट पढ़ सकते हो ना तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो कि तुम पढ़ते हुए 30,000 मिल रहे हैं तो इससे अच्छा क्या ही होगा। अच्छा और एक चीज ना, कि बहुत बच्चों का ये डर होता है कि आईआईटी में एडमिशन अगर ले लेते हैं तो फी कितना देना पड़ेगा? फीस यार एमटेक में अभी क्या हो गया, दो सीट्स आ गई हैं, एक तो नॉर्मल वाली जिसे आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसका फीस भी कम होएगा, जैसे आपको टोटल 2 साल में 3,00,000 तक स्टाइपेंड मुझे लगता मिल जाता है और टोटल फीस कम ही रहती है, मतलब आपको पॉजिटिव में जाओगे। बट अभी कुछ आईआईटी में सीट्स रहती है स्पॉन्सर वाली, अच्छा उसमें फीस ज्यादा होगी, लाखों में होगी बट स्टाइपेंड नहीं है। जैसे मान लो 10 सीट है किसी ब्रांच में तो 5 रहेंगी डायरेक्ट ये स्टाइपेंड वाली और 5 रहेंगी ये अपनी क्या बोलेंगे स्पॉन्सर वाली। अच्छा। आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। अच्छा एक बार मैं थॉम्सो फेस्ट में गया था आईआईटी रुड़की, हाँ तो वहां पे मैं हॉस्टल में रहा था, वो उस साइड का हॉस्टल जो है ना वहां पे, मतलब क्या नाम था हॉस्टल का, वहां पे मैंने देखा क्या ना, मेरे बगल वाले रूम में जो भैया रहते थे वो आई थिंक इसरो में या किसी ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में काम करते थे और वो वहां से पढ़ने के लिए आते, ये क्या तरीका है? हाँ, ये मुझे नहीं समझ में। डीआरडीओ इसरो जो है वो आप अपने जो एम्प्लॉयज को ऑप्शन देता है, अच्छा कि अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो आप कर सकते हो। उसके लिए भी आई थिंक कुछ में क्या होता है, कुछ में गेट देना पड़ता है, कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। जैसे मान लो 10 सीट्स जैसे उन्होंने बताया, उसमें 2-3 सीट्स ऐसी रहेंगी स्पॉन्सरशिप वाले जो आउटसाइड पीएसयू वगैरह के लिए, तो मेरे साथ उसमें क्लियर नहीं है कि गेट देना पड़ेगा या डायरेक्ट इंटरव्यू से होएगा, तो वो सारा खर्चा आपका वो डीआरडीओ उठाती है। अच्छा अच्छा, उसमें आपको सैलरी भी मिलती है
अच्छा स्टाइपेंड नहीं मिलता, डीआरडीओ कंपनी ही सैलरी देती है और प्लस उसमें शायद बॉन्ड रहता होगा डीआरडीओ का कि आपको ये मास्टर्स करने के बाद मिनिमम इतना साल यहाँ पे सर्व करना है, ऐसा नहीं कि आप एमटेक करो सैलरी लो निकल जाओ। अच्छा भैया, और एक बात था क्या ना कि जो बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि ना पीएसयू कितना रैंक तक मिलेगा, मतलब वो टारगेट बनाता है कि पीएस मतलब गेट का एक सेफ रैंक बताइएगा पीएसयू के लिए, एक मोटा मोटी सेफ रैंक पीएसयू के लिए। यार सेफ तो अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसे पता है ना 2015 में एयरपोर्ट ने इतना वैकेंसी निकाला भर भर के 330 तक मिला इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत बड़ी बात उस टाइम पे। हाँ अभी देखो 2020 में कोई वैकेंसी नहीं निकला कोविड के चक्कर में, कम निकला। अच्छा तो कुछ कह नहीं सकते मतलब, बट ये कि मेरे हिसाब से ट्राई करो अंडर डबल डिजिट रैंक आए तो जैसे एंड तक, जैसे अभी गेट हुआ है तो हो सकता है मार्च तक जाते आते, फिर जनवरी तक जाते आते कोई पीएसयू आए वो गेट के थ्रू ले ले। जैसे भी डीआरडीओ बोले निकालने वाला है, मैं सिर्फ अभी एक ही पीएसयू भर रहा हूँ पीजीसीआईएल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 सीट है ठीक है। हाँ अभी बोले डीआरडीओ निकालेगा, अगर देखो डीआरडीओ ने ज्यादा निकाल दी वैकेंसी तो उसमें होने के चांसेस है, तो कुछ कह नहीं सकते यार। 100 अंडर 100 थोड़ा सेफ लगता है मुझे, बट कोई भरोसा नहीं उसका वो भी सेफ ना। मतलब अगर कोई बच्चा पीएसयू, उसके एम्बिशन में एमटेक नहीं है, उसको कोई शौक नहीं है आईआईटी में जाने का, ऐसा कोई नहीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ है पीएसयू, मतलब उसको ये चीज चल रहा है कि जाना है तो पीएसयू जाना है, तो उसके लिए कोई भी ब्रांच हो तो अंडर 100 वो भी सेफ नहीं है आप अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, सबके ब्रांच का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा मे बी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल में थोड़ा ज्यादा निकल दे इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, मोटा मोटी चले तो 500 लेके चले। नहीं यार उसके मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में, पहले हो सकता था 2015 में 500 तक, मतलब 500 से भी कम हो सकते हैं इस बार, कुछ नहीं कोविड के चक्कर में ना, 2021 का भी कोविड के चक्कर में कुछ नहीं कर सकते, और ये कब तक रहने वाला है, कितना इफेक्ट करने वाला है तो ये चीज है ना भैया कि मतलब कि आगे भी ऐसा हुआ कि कोविड मान लेते सही हो जाए, ऐसे भी सही हो जाए भगवान के दया से जल्दी, तो भी एक जो वो होता है स्टैट होता है, स्टैट तो बता देता है ना कि हाँ इतना तक बच्चे को मिल जाता है, मतलब मोटा मोटी कितना तक कोविड भी जाएगा उसके बाद भी, तो वैसे भी तो पीएससी कैसे कम कर रही है गवर्नमेंट, मतलब फैक्टर है ना। और प्लस ये भी एक गेट अभी क्या हो रहा है देखो 2021 में क्या हुआ, काफी सारे पीएससी ने खुद के एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिए, अभी जैसे एचपीसीएल में का एग्जाम हो रहा है, एचपीसीएल में आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वो एग्जाम करवा रही है, एक शायद और था, तो तो फिर गेट का तो और सीट्स कम होगी ना, वही एचपीसीएल गेट के थ्रू लेती थी अपनी 10 20 50 इतनी सीट्स लेंगी, अब वो बाहर अपना एग्जाम अलग से ले रही है तो उसमें भी वैकेंसी गेट से कम हो गई, तो ऐसा है। तो मतलब कुछ प्रेडिक्शन मुश्किल है हर साल क्योंकि अलग अलग चीजें हो रही हैं, अपने हाथ में कम है, बस वही है मेहनत करो 100 ले आओ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, आई थिंक दूसरे में 200 या 300 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तब तो ये डार्क ट्रुथ है जो कि कोई बताना नहीं चाहता है, ये तो है, हर कोई बोलता है कि गेट करो पीएसयू में चले जाओगे, गेट करो पीएसयू में चले जाओगे। नहीं, और यही चीज है ना कि कुछ जो बच्चे मतलब कि टियर 3 कॉलेज है और वो एक सरकारी कॉलेज है या कोई भी कॉलेज है, अब क्या है ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट भी उतना अच्छा नहीं है, वो उतना मतलब प्लेसमेंट भी उसको ऑफ कैंपस ही लेना पड़ता है, इन कैंपस उसका प्लेसमेंट भी नहीं है, ऐसी स्थिति है हमारे इधर की, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब इस केस में क्या होता है ना, वो अपना गोल्डन टाइम गेट पे लगाता है, मेहनत भी करता है, अब मेहनत भी करता है तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 डिजिट ना आए, अब उसका आ गया 1500 के अप्रोक्स में रैंक आ गया, उसका एमटेक करने का कोई इरादा नहीं था, आज से पहले उसका एमटेक करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब 1500 रैंक आ गया, अब उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो एमटेक कर लिया, एमटेक करने के लिए चला गया, वहां पे उसको वही चीज लैब करना पड़ता है, कुछ पैशन नहीं है उसके खिलाफ, उसके अकॉर्डिंग उसका पैशन वैशन है नहीं, अब लैब करना पड़ रहा है, प्रोफेसर का असाइनमेंट करना पड़ रहा है, वो परेशान है, हम तो जॉब चाहिए था और हम कहां आ गए। अब उसके बाद क्या होता है, फिर वो बीच बीच में गेट देता है या छोड़ देता है गेट देना। हाँ अब क्या है कि वो अच्छे आईआईटी से है नहीं, तो उसका प्लेसमेंट के टाइम में भी कुछ नहीं मिला, वहां पे भी प्लेसमेंट के टाइम में कुछ नहीं मिला, तो वो फंस जाता है वहां पे। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को गेट इसीलिए करना था क्योंकि उसको पीएसयू लेना है, और पीएसयू भी इसलिए क्योंकि उसमें उसको एक सरकारी एमएनसी टाइप से एक सरकारी जॉब है, एक बड़ी सी महारत्ना कंपनी है जिसके अंदर उसको परमानेंट जॉब चाहिए। तो बहुत बच्चा क्या करता है, जिसको ये चीज समझ में आ जाता है तो वो स्विच कर देता है, वो जनरल कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन करने लगता है कॉलेज में जाने के साथ ही,
हमारे इधर वो करता है, क्योंकि हमारे इधर एक वो कहावत है कि करेंगे नौकरी सरकारी नहीं तो बेचेंगे रोड पे तरकारी सब्जी। तुम्हारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। तो वो क्या होता है ना, वो स्टार्टिंग में ही जाने के बाद उसको मालूम चल जाता है कि बीएससी होने वाला नहीं है, तो वो तैयारी स्टार्ट कर देता है किसी और चीज का, लेकिन उसके आसपास तो एक ट्रैप बना हुआ है ना, आसपास एक मायाजाल बना हुआ है, जितने भी लोग हैं वो सिर्फ गेट का तैयारी कर रहे हैं और पीएसयू उसको चाहिए, तो वो भी वो चाहता है कि मेरा बगल वाला गेट का तैयारी कर रहा है पीएसयू के लिए, हम क्यों एसएससी का तैयारी स्टार्ट करें या किसी और चीज का स्टार्ट करें, वो भी फंस जाता है उसी में, जबकि उसको वो कर सकता है, वो जनरल कॉम्पिटिशन कर सकता है लेकिन वो नहीं करता है। तो ये तो यार खुद को किसी और को मत देखो यार, अपने को देखो, अपने को क्या तुम्हें जस्ता है, क्या चीज कर सकते हो, अभी क्या फायदा बगल वाला गेट कर रहा है और तुम टेक्निकल पढ़ नहीं पा रहे हो, उसको मतलब नहीं है ना, हेड़चाल मत जाओ, खुद का देखो। अच्छा एक सवाल जो कि हमें नहीं पता, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, वो आप बताइएगा, क्या गेट के स्कोर से प्राइवेट जॉब मिलती है प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट जॉब नहीं यार मेरे हिसाब से तो नहीं, बट प्राइवेट जॉब के लिए तुम्हें कोई तो चीज आनी चाहिए, जैसे मान लो तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हो तो तुम्हें कुछ तो आना चाहिए, गेट का स्कोर तुम डाल सकते हो, मे बी तुम्हें एडवांटेज मिल जाए थोड़ा, रिज्यूमे में बस डाल सकते हो, चाहिए हां डाल दो अगर अच्छा स्कोर है तो, बट वो चीज जो उनको चाहिए रिक्वायरमेंट है प्रोफाइल के बेसिस पे, वो चीज तुम्हें आनी चाहिए ना, सिर्फ गेट से नहीं, गेट एक प्लस पॉइंट हो सकता है बट ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट से मिल जाए मेरे अकॉर्डिंग, मतलब कि ऐसा कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं है? हाँ मैंने तो अभी ऐसा सुना नहीं कि गेट स्कूल से प्राइवेट जॉब मिल जाए। अच्छा एक और बात भैया, क्या ना कि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, ये बीटेक किए लेकिन वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक के दौरान उसने बीटेक कर रहा है, कि मतलब उसको बीटेक नहीं करना था लेकिन फिर भी वो बीटेक कर रहा है, अब क्या है ना कि उसके पास सेकेंड अटेम्प्ट लेने का कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अगर सेकेंड अटेम्प्ट लेगा तो वो ले ही नहीं पाएगा, ऐसा उसकी उसका कंडीशन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अब उसको आप अपना पर्सनल सजेशन क्या दीजिएगा, उसको एक गाइडिंग क्या, गाइड आप क्या कीजिएगा कि अब उसने गेट का तैयारी किया 3 साल 4 साल उसने गेट का तैयारी किया, एक अटेम्प्ट दिया और एक अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल है, ये तो आप भी बता सक बताइएगा कि सिंगल डिजिट या डबल डिजिट लाना पीएसयू में घुस जाना थोड़ा सा अपने में है, टफ है, हम सिर्फ और सिर्फ फेक मोटिवेशन नहीं कर सकते हैं। वो एक एक मेम बना था, उसमें क्या हुआ था ना, किसी एक बकरी को क्या किया था ना, संदीप महेश्वरी का वीडियो दिखा दिया था, बकरी चली गई थी शेर से लड़ने के लिए। हम ऐसा भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि रियलिटी देखो, इस बार 80,000 लोगों ने गेट दिया, उसमें सिर्फ 14% लोग क्वालिफाई किए हैं, 14% लोग, 11,000 लोगों का 25 से ऊपर मार्क्स आया, और पीएससी मिलेगा पता नहीं कितने को मिलेगा, तो टफ तो है जो, और प्लस जो फाइनेंशियली वीक है उसको एक बार दे दिया, मेरे हिसाब से तो उसको यार पहले सोर्स करना चाहिए कि इनकम का सोर्स, कि कहां से उसको जॉब मिल सकती है, थोड़ा पैसा जाए मैं, ताकि थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए अपना। बिल्कुल बिल्कुल, उस मेरे हिसाब से बेस्ट तो प्लेसमेंट ही है, मतलब फाइनली अगर मैं इस बात को वो करूं, एक कंक्लूड करके एक बनाऊं, तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर फाइनेंशियली वीक है तो पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद गेट तुम्हारे पास आगे ऑप्शन ओपन है, गेट बंद नहीं है तुम्हारे पास अगर तुम कमाने लग गए हो, पैसा आ रहा है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा किस चीज के लिए, और तुम फाइनेंशियली वीक हो, तुम्हें कुछ मटेरियल लेना, तुम्हें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, जॉब हाथ में, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज लेने के लिए। तो अगर फाइनेंशियली वीक है तो उसके लिए प्लेसमेंट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, प्लेसमेंट ट्राई करो कहीं भी, कहीं पे गेट दो यार, गेट मेरे हिसाब से फोर्थ ईयर में दे दो एक बार, और तुम बोलो कि फोर्थ ईयर में गेट दे सकते हो, ड्रॉप के लिए ऑप्शन है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो तुम्हारे पास प्लेसमेंट ही है। और ड्रॉप भी लेता है तो वो कहीं पे कोचिंग नहीं ले पाएगा, क्योंकि दिल्ली या कहीं पे जाके कोचिंग लेना बहुत मुश्किल है, और उसके दिमाग में
उसके दिमाग में एक चीज और बन जाता है ना कि उसके दिमाग में ये बन हाँ जाता है कि अगर हम नहीं जाके दिल्ली या कहीं पे जाके कोचिंग लेंगे हाँ हैदराबाद तो हमसे नहीं हो पाएगा, हो नहीं ही नहीं नहीं ऐसा तो पाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कर सकते हो, घर बैठ के भी कर सकते हो। जैसे ड्रॉप लेना है तो कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए इनकम का, ट्यूशन पढ़ाओ या कहीं ना कहीं, ठीक है, वहां से टाइम स्टडी करो, फिर गेट का ऑनलाइन जो भी है तुम ले सकते हो, फ्री का ले सकते हो वो देखो, और तुम्हें कोचिंग पढ़ाने वाला से इनकम आ रहा है कोई, परचेज कर सकते हो वो कर लो, तो वैसे एक तरीका हो सकता है। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, मतलब तुम आसपास कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा और कितना अटेम्प्ट तक ले सकते हैं? यार। अटेम्प्ट तो कोई लिमिट ही नहीं है, तुम्हारी एज खत्म हो जाएगी, अटेम्प्ट तो कोई लिमिट नहीं है गेट में, पीएससी का एज का है। PSU का एज तय है? हाँ एज का, जैसे हर पीएससी अलग अलग है, जैसे मैं आईओ पीजीसीएल भरा उसमें 30 है, आईओसीएल में आई थिंक 26 है, हर किसी का अलग अलग है, 26 27 28 ऐसा है। अच्छा ईएससी में आई थिंक ईएससी में भी 30 है। अच्छा ESC। हाँ अच्छा ये उसमें चीज 30 ना एज है मैक्सिमम। बहुत, इस चीज को भी आप क्लियर कर दीजिएगा ना कि क्या होता है ना कि जो गेट है और ESC है दोनों डिफरेंट हाँ है या सेम है हाँ दोनों अप्रोच? डिफरेंट है, बहुत बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। अच्छा तो मतलब कि हाँ दोनों का अप्रोच अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, हाँ थोड़ा अलग अलग होने चलना पड़ेगा, वो एक डिसाइड साथ करना थोड़ा मुश्किल हो पड़ेगा, वो जाएगा। डिसाइड करना पड़ेगा उसे हाँ अभी ही। हाँ हाँ फिर सबसे गेट पहले पहले गेट को दो, क्योंकि ईएससी क्या लंबा एग्जाम है, हाँ प्री एबीए मेंस में प्लस एबीए की, जितना गेट में टेक्निकल सिलेबस है उससे 20-30% ज्यादा टेक्निकल सिलेबस है ईएससी में, प्लस जीएस है जनरल साइंस, तो मतलब ईएससी का सिलेबस ये मान लो कि 1.5 गुना है कम से कम गेट से। तो पहली बात तो सिलेबस का डिफरेंस है, ऊपर से पैटर्न का डिफरेंस है, क्योंकि गेट में क्या, गेट टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, बहुत कम थ्योरी वाला, मान लो 5-10 मार्क्स मुश्किल से, 5 मार्क्स से मुश्किल से कि तुम्हें थ्योरेटिकल की याद रखने वाली चीज तुमसे पूछ ले, गेट में बहुत मुश्किल है ऐसा चीज। इलेक्ट्रॉनिक ईएससी में मोस्टली ऐसा है, कोई भी लंबी कैलकुलेशन नहीं आएगी, गेट में क्या एक एक पेज की दो दो पेज की कैलकुलेशन आ जाती है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर भी है। ईएससी में ऐसा नहीं होता ज्यादा, ईएससी में आप करने बैठोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता नहीं आता, मोस्टली ऐसा रहेगा, वो तो अच्छा प्रीवियस ईयर देखो आपको समझ आ जाएगा, किसी भी एक एग्जाम को देखना यहाँ जज करना है कि इसमें क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर देखो बस। मतलब कि एक चीज और यहाँ पे मुझे मिला, मतलब कि अगर कोई गेट कर रहे हो तो न्यूमेरिकल से नहीं भाग सकते हो, और अगर तुम भाग रहे नहीं हो तो भाग पहले ही सकते, छोड़ दो, पहले ही हटा दो, तुम्हारे पहले लिए वो छोड़ दो, नहीं हाँ है, पहले हटा दो, फिर हाँ फालतू का नहीं टाइम मतलब वेस्ट नहीं तुम करना चाहिए। फालतू टाइम वेस्ट है, तो तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के बुक्स वगैरह पढ़ के गेट हाँ निकाल, तो मुश्किल है। क्या हुआ, क्योंकि मैंने देखा है ना बहुत सारे बच्चे को ना, हाँ वो क्या कर रहा है, हाँ जैसे इसमें एक चीज और कि वो क्या कर रहा है कि जो सेमेस्टर का पढ़ाई है वो तो उसको थ्योरी बेस्ड है, बहुत चीजें थ्योरी होती है हाँ सेमेस्टर में, ठीक ना। अब क्या है, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है और काफी अच्छा 8.5, 8.7, 8.9 ला रहा है, और वो गेट का तैयारी करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो ये बोलता है कि मेरे से न्यूमेरिकल सवाल नहीं बनते हैं, ठीक। अब वो क्या करता है, हाँ फिर भी वो गेट का तैयारी में लगा हुआ है और वो न्यूमेरिकल को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर रहा है और लगा हुआ भी है, तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको न्यूमेरिकल से अगर वो भाग रहा है तो? नहीं देखो न्यूमेरिकल तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन वगैरह सब, वो ये है कि आपकी वीक हो बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्ट्रांग हो जाएगा, बट अब भाग रहे हो तो मुश्किल है, भाग रहे हो तो छोड़ ही दो, पर मतलब आप अगर करना ही नहीं आप है वो। परमानेंटली अगर न्यूमेरिकल से डर रहे हो और न्यूमेरिकल से भाग रहे हो तो फिर छोड़ दो, नहीं करना है हाँ आपको, नहीं करना हाँ चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा करना, आपका, हाँ क्योंकि आपको टाइम वेस्ट फिर होगा, हाँ सिंगल डबल डिजिट आना मुश्किल है आपके लिए कभी। हाँ मुश्किल, अब क्या है, उसको अगर करना चाहता है और वो समझ नहीं आ रहा है वो हाँ कैसे करे? तो वही प्रैक्टिस है, में प्रीवियस प्रैक्टिस करो, कोई बुक उठा लो प्रैक्टिस करके देखो, इवन जब आप कहीं भी कोचिंग वगैरह में करोगे वो भी साथ साथ कोई टॉपिक करवाएंगे उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करवाते हैं, तो मेनली प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा क्या कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और एक चीज ना, एक चीज और जो मेरे टाइम में हम हमारे साथ भी हुआ करता था और बहुत लोगों के साथ होता था, उसको लगता था कि गेट करने का मतलब है सारा नॉलेज ले लो, जितना नॉलेज नहीं है ऐसा, सब्जेक्ट में वो पूरा ले लो, हाँ क्या ये सही है, ये कॉन्सेप्ट सही है? ये इलेक्ट्रॉनिक ईएससी में काम आता है ये सब चीजें, बाकी वही टाइम पे है ना, देखो तुम फर्स्ट ईयर से कर रहे हो तो मैं नॉलेज लेना ले लो, तुम सारा नॉलेज ले लो, फिर जो गेट में चाहिए हो तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लो उसमें से, बट अगर तुम थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास 1 साल ही है, तुम एक सब्जेक्ट को फिर ज्यादा 1 महीने से ज्यादा दे नहीं सकते ना, टाइम मैनेज करो, और अच्छा प्लस फाल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो।
तो इसका मतलब एक चीज आप इसको भी आप एक कंपार्टमेंट वाइज क्लियर कर दीजिए कि फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए, सेकंड ईयर के बच्चे के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, थर्ड ईयर के लिए और फाइनल ईयर के बच्चे के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। यार आई थिंक फर्स्ट ईयर वालों को तो इतना लोड नहीं लेना चाहिए, तो एक कॉलेज में थोड़ा एंजॉय वगैरह करो। नहीं वो नहीं, वो कुछ है नहीं, मतलब कॉलेज में कुछ है नहीं एंजॉय करने के लिए, प्रॉब्लम ये भी है और बहुत ही वो है डिटर, वो बहुत ही ज्यादा वो नहीं होता है, वो अर्जुन है, सारे अर्जुन जैसे है भाई, ये लक्ष्य को तय करना है उखाड़ देंगे। लेकिन प्रॉब्लम मेरा क्या होता है ना, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं ना वो सारे बहुत मेहनती हैं लेकिन उसको डायरेक्शन ही नहीं, ये डायरेक्शन नहीं। तो देखो तो फर्स्ट ईयर में क्या करो, इतना लोड मत लो, धीरे धीरे फ्लो बनाओ। जैसे क्या है, सिलेबस देख लो एक तो, ठीक है, क्वेश्चन देखो, कुछ समझ तो आएंगे नहीं प्रीवियस ईयर, उसका मतलब नहीं है। तो क्या करो, फर्स्ट ईयर में मैथ्स अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, कि M1 तुम्हारे तीन सेमेस्टर में होता है ना, M1 M2 M3 हां M1 M2 M3 उस पे थोड़ा जोर लगाओ, ठीक है। और जैसे जो कोर है, जैसे फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट कॉमन रहते हर ब्रांच के, तो क्या करो जो अपने अपने कोर सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसमें थोड़ा बहुत तो आएगा, उस पर थोड़ा जोर लगाओ। तो गेट और सेमेस्टर का सिलेबस कॉमन देखो कौन सा है, यस यस, वो चीज अच्छे से पढ़नी स्टार्ट कर दो कॉलेज में। देखो अगर अभी भी बताया कि जूम पे पढ़ा रहे हैं तो अभी नहीं ढंग से पढ़ा रहे होंगे, तो वो कहीं और सोर्स से पढ़ लो, लेक्चर देख लो। तो वही है, इतना लोड एग्जाम का लोड मत लो, बस सिलेबस कंपेयर करो, जो चीज कॉमन है वो अच्छे से पढ़ो, बस क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो बाद में देखना। और बच्चे सेकंड ईयर में जो है उसके लिए, सेकंड ईयर में यही है, तो सेकंड ईयर में थोड़ा प्रैक्टिस करो स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस की, जो फर्स्ट ईयर से पढ़े हैं उसकी मैथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ऐसे धीरे धीरे लेवल अप करते रहो ना, एकदम ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में लग जाओ सब मुझे सब करना है, धीरे 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 फ्लो बनेगा। अच्छा मतलब तो मतलब फाइनली यही हम कहे कि अगर गेट की गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो कर दो, क्योंकि कंपटीशन टफ हो रही है, डे बाय डे कंपटीशन टफ हो रही है। देखो अगर करना है यही करना है तुमने सोच लिया है, हाँ, कोई तो नहीं है, मस्ती का कोई ऑप्शन नहीं है, मस्ती का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, करो क्या करो, हमारे पास तो ऑप्शन था मस्ती का, हम तो कॉलेज में मुश्किल से पढ़ते थे। इधर के बच्चे ऐसे हैं ना कि अगर आप उसको ये बता दीजिएगा कि ये एनपीटेल ये कर जाओ सारा, इससे ही गेट में क्वेश्चन आएगा तो वो सारा कर लेगा। तो सही है, अच्छा है, चलो एटलीस्ट कुछ गोल है फर्स्ट ईयर में, बहुत ये तो अच्छी बात है वैसे, चार साल पहले तुम्हें चीज रियलाइज है कि ये करना है मुझे, तो अच्छा धीरे धीरे शुरू करो। चार साल तक इसको मेंटेन करना भी तो एक अपने में वो होता है ना, कि होता क्या है, होता क्या है, फर्स्ट ईयर में डिटरमाइन होके गया है कि गेट करना है, सेकंड ईयर में जाते जाते अब दिमाग में आने लगा है, कुछ कुछ कॉलेज में घुल गया है, फिर ईएससी भी दिमाग में आने लगा है, फिर थर्ड ईयर में जाके प्लेसमेंट भी, या फिर फाइनल ईयर आते आते लगता है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, गेट होगा या नहीं होगा, चलो कुछ और प्रिपरेशन करते हैं, कुछ स्टेट का कुछ प्रिपरेशन करते हैं, कुछ करते हैं, कोई फिर स्टार्टअप करने का सोचने लगता है, मतलब एक बहुत डाइवर्ट हो जाता है, अरेंज नहीं करके लेके जा पाता तीन साल तक चार साल तक इस चीज को। ये तो अरेंज कैसे करें? यार अरेंज देखो इतने चीजों में तो हाथ पैर, सब में तो हाथ नहीं रख सकते ना हाथ पैर अपने, तुम्हें एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर तुम्हें थर्ड ईयर तक लग के आता नहीं यार ये गेट नहीं करना मुझे, तो साल पढ़ के रिलाइज हो जाएगा ना कि हाँ ये मजा नहीं आ रहा इसमें, किस फ्यूचर नहीं है, तो कर लो स्विच, और क्या अपने पे है तुम्हें क्या अच्छी लग रही है। मैं एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है? मुझे पता नहीं, मेरे को थोड़ा नहीं, मुझे एक्चुअली मैथ्स में इंटरेस्ट है ना, तो मुझे कैलकुलेशन वगैरह मजा आता है। अच्छा ऐसा कोई मुझे इतना थ्योरी, हाँ तो मुझे मजा आता है कि कहीं भी न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन रहेगी तो मुझे मजा आता है करने में, ऐसा है, मेरे को थ्योरी पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे मजा आता है। और ये चीज कि मतलब मैथ का जीरो लेवल से आपने बता ही दिया, अच्छा एक चीज और, क्या वो ब्रांच को चेंज कर सकता है एमटेक में? ब्रांच एमटेक में ये रहता ना एक्चुअली, जैसे मान लो किसी भी कॉलेज में बीएलएसए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी रहेगी कि तुम्हारा जो बीटेक है इस उसमें होना चाहिए, इस ब्रांच में होना चाहिए, और तुम्हें गेट जो है तुम्हें इस कोड में, देखो गेट तो तुम किसी भी उसमें दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स तुम इलेक्ट्रिकल में दे सकते हो, कंप्यूटर साइंस में दे सकते हो, ठीक है, नहीं आई थिंक दे सकते थे कुछ, अभी शायद कुछ चेंज हुआ है कि इंस्ट्रूमेंटेशन दे सकते हैं, सब कुछ है ना, दे सकते हैं, तो जो ब्रांच है ना एमटेक में वो एलिजिबिलिटी बताएंगे, अच्छा तुम्हारी बीटेक इस उसमें होनी चाहिए, गेट का जो तुम्हारा ये है कोड है ये होना चाहिए, तो इसे चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी ब्रांच में कर सकते हो, जैसे अभी
क्या आईआईसी बैंगलोर में एक डेटा साइंस करके ब्रांच है, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, तो उसमें काफी ब्रांचेस एलिजिबल है। उसमें तुम्हारा बीटेक मांगा, सिर्फ बीटेक में कोई वो नहीं है कि सीएससी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ठीक है। गेट में भी ईसी, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, इवन मैकेनिकल वाले भी अलाउड है, तो सबके लिए ओपन है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसको भी दिक्कत नहीं है। बट आप पहले क्या करो, देख लो हर, जैसे गेट के टाइम, एडमिशन के टाइम आईआईटी का वो आता है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है, एक बार सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हुई अपने में एक बात हुई। अच्छा, और कोई आपके, आप फाइनल कुछ सजेशन देना चाहते हैं, मतलब फाइनली ऐसे कुछ बच्चों को, क्योंकि जो ब्रांच स्पेसिफिक बातें हैं वो हम और भी वीडियो में करेंगे, ब्रांच स्पेसिफिक बातें। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं, ब्रांच स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, आई थिंक अभी आ रही है। अभी तो ये है कि देखो, अभी तो कोविड है, थोड़ा तुम बीटेक कॉलेज भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें गेट का प्रिपरेशन करना है, तो तुम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, कॉलेज का सोर्स नहीं है तो कोई और सोर्स से पकड़ो, तो लगो, ये काफी टफ टाइम है, थोड़ा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, वैकेंसी आ रही, सब लोग कॉलेज ही जा पा रहे, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, सब मेंटली काफी डिस्टर्ब होंगे आई थिंक। थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो, पढ़ते रहो, जितना भी है मेहनत करते रहो, 100% जो भी कर रहे हो, तो आगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके, तो मतलब अभी के टाइम में जो है वही एक बेस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि देखो ये साल काफी टफ रहने वाला है, मतलब लास्ट ईयर काफी टफ था, ये भी काफी ऐसे जाने वाला था। अच्छा, अपने आपको मेंटली स्ट्रांग होना। तो ये जो ब्रांच स्पेसिफिक की बातें हैं, तो आप क्या, आप कुछ टारगेट बनाए हैं ब्रांच स्पेसिफिक को गाइड करने के लिए, ऐसा आप फ्री टाइम में? फ्री टाइम बता सकते हैं कि क्या क्या इशू है, मतलब मेनली तो कुछ ऐसे ब्रांच स्पेसिफिक तो नहीं आई थिंक, तुम्हें भाई हर ब्रांच में कॉमन ही है कि तुम्हें एक सब्जेक्ट पहले थ्योरी पढ़नी है, जो भी तुम्हें लेक्चर कहीं से पढ़ रहे हो वो तुम्हें थ्योरी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल भी देंगे, उसके नोट्स वगैरह बना लो, या फिर जो हैंड रिटन नोट्स हैं। अच्छा अच्छा, तो नोट्स पढ़ के अपना प्रीवियस से सॉल्व कर लो, ठीक है, एक बार सब्जेक्ट हो जाएगा वो, उसके थोड़े टाइम बाद सेम सब्जेक्ट फिर दोबारा पढ़ के, कोई जैसे आर के कनोडिया हो गई, नहीं सारे ब्रांच का सॉम सीरीज का आता है, मतलब इसमें जिस तरीके से आर के कनोडिया की बात आपने किया, उसी तरीके से उसमें भी आर के कनोडिया में तो वही चीज है, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है, उस टॉपिक का बहुत सारा न्यूमेरिकल है उसमें, मतलब मैंने देखा है उस आर के कनोडिया के, उससे मतलब काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है अगर आर के कनोडिया से। आर के कनोडिया में मिस्टेक्स हैं ये भी बता रहा हूं। हां अच्छा अच्छा, तो ऐसा, हां हां भैया आवाज जा रही है, लैग आ रहा था बीच। अच्छा, वो इंटरनेट कुछ इशू, आवाज आ रही है ना, अब इंटरनेट कुछ इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है भैया, ऐसा करते हैं ना कि ब्रांच स्पेसिफिक भी वीडियो बनाते हैं, ब्रांच स्पेसिफिक भी वीडियो बनाते हैं, अभी तो ये ओवरऑल गेट ओवरऑल हुआ सारे ब्रांच के लिए। इसके बाद मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूँ ब्रांच स्पेसिफिक का। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, जो भी मेरे को रहेगा, मेरे जो मैंने किया है बता सकता हूँ। फिर जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप, जैसे ही आपको नेक्स्ट टाइम छुट्टी मिलती है, आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर से वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक ठीक, और बस ये भी कहना चाहूंगा, एक जो मैं अनअकैडमी से पढ़ा हूँ सर से, तो उनकी एक वेबसाइट है, उसमें काफी मटेरियल फ्री है उनका। हाँ हाँ हाँ, वो आप बता रहे थे, काफी कोर्सेज हैं। वो कौन सा मटेरियल, कौन सा था? तो वेबसाइट मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना। हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगा, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें डाल रखी है, काफी सारे कोर्सेज, गेट में आई थिंक 10 सब्जेक्ट है, तो उन्होंने 6-7 सब्जेक्ट है फुल जो कम्प्लीट फ्री में है, जो अनअकैडमी स्पेशल पास। हाँ हाँ,